नमस्कार दोस्तों दोस्तों महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अपनी दो कारें ईवरिटो और ई2ओ को काफी लंबे समय से सेल किया जा रहा था। इसके अलावा महिंद्रा के द्वारा थ्री व्हीलर सेगमेंट में अपने एक इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रियो की भी सेल कर रही है। इस शानदार स्पेसिफिकेशन वाले ऑटो की बम्पर बुकिंग और बम्पर सेल को देखते हुए महिंद्रा इलेक्ट्रिक के द्वारा अपने थ्री व्हीलर सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिक कार्गो को उतारा गया है। आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा के द्वारा आने वाले इस इलेक्ट्रिक कार्गो के बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों महिंद्रा को उसकी तरफ से आने वाली दमदार एसयूवीज के लिए जाना जाता है। इस साल फरवरी मंथ की शुरुआत में ही महिंद्रा के द्वारा मार्केट में अपने एक ई कार्गो थ्री व्हीलर को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी के द्वारा अपने इस इलेक्ट्रिक ई कार्गो को 1,50,000 रुपीस प्राइस टैग के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसको कंपनी अपनी 300+ डीलरशिप के ऊपर उपलब्ध करवाएगी। अगर इस इलेक्ट्रिक कार्गो की कोई स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रिक कार्गो एक बार में 310 किलोग्राम का वेट कैरी करने में सक्षम है। इलेक्ट्रिक कार्गो को एक बार चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। महिंद्रा के द्वारा अपने इस ई अल्फा कार्गो पर एक साल की असीमित किलोमीटर की वारंटी दे रहा है। कंपनी के द्वारा अपने इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर कार्गो में 1.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जिसकी बदौलत ये ऑटो रिक्शा एक बार में 25 किलोमीटर की टॉप स्पीड लेने में सक्षम है। कंपनी के द्वारा अपने इस थ्री व्हीलर कार्गो के साथ स्टैंडर्ड 48 वोल्ट का चार्जर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसकी सहायता से हम अपने घर में लगाई गई 15 एम्पीयर की नॉर्मल सॉकेट के ऊपर हम अपने कार्गो को 6 आवर में फुल चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि महिंद्रा के द्वारा इस साल अपनी दो इलेक्ट्रिक एसयूवी AUV100 और XUV300 को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश कर सकती है। तो महिंद्रा की तरफ से आने वाले इन इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारी आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।